ये ट्रांजिस्टर होता है, क्या होता है ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर को जो हम सामने की दिशा में रखते हैं जैसे इस टाइप से, तो ये सामने की दिशा में जो राइट में आता है ये होता है एमिटर, ठीक, और ये होता है आपका वेव, तो ये होता है कलेक्टर, ठीक है। तो क्या करते हैं ट्रांजिस्टर को इस तरह से मोनोग्राम में लगाते हैं ये, ठीक। अब ये जो बीच वाला पेन है ये आपका हो जाए वेव, तो कैसे वेव यानी कि ये, ठीक, इसकी शेप ऐसे बनाते हैं। ये और ये, ठीक है, बी सी वन फोर सेवन, ठीक, ये इसका नाम है। तो ये हो गया एमिटर, समझ में पड़ेगा, ये एमिटर, और ये हो गया आपका बेस, ये एमिटर के एक होल होते हैं, ठीक है, ये कलेक्टर। हम क्या करते हैं एमिटर को सीधी प्लस वो माइनस सप्लाई से जोड़ देते हैं, ठीक, माइनस नौ वोल्ट, माइनस नौ वोल्ट का मतलब होता है बैटरी में जो माइनस का सिरा होता है वो माइनस नौ वोल्ट बोलते हैं, ठीक है, सीधे डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट माइनस से जोड़ दिया, ठीक है। अब आपका बेस रह गया, बेस से और कलेक्टर इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक, ये हमने आपको ठीक लगा दिया। अब सुनो सुनो, उसके बाद कलेक्टर ये बात, इस कलेक्टर से बजर, यानी कि ये आपका बजर जोड़ेगा, ठीक, ये आपका बजर जोड़ेगा, समझ रहे हो, बजर का दूसरा हिस्सा जो पॉजिटिव होता है, ठीक, नेगेटिव, किसने लिखा है, ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाला कहाँ जोड़ेगा, बैटरी से जोड़ेगा, बैटरी के प्लस, समझ रहे, प्लस नौ वोल्ट से जोड़ेगा। तो जब बैटरी के प्लस नौ वोल्ट से ये हुए, अब इसमें माइनस कहाँ से मिल रहा है, समझो, अब एलडीआर को आपको ऐसे लगाना, ठीक, बेस से और नेगेटिव से, ठीक, ये आपका एलडीआर लग गया, बैटरी में लगाना, बैटरी में नहीं लगाना, ठीक, समझ रहे, अब क्या करेगा एलडीआर पर जब सूर्य की किरण पड़ती है तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है जो जीरो में बदल जाता है, जब इसकी एलडीआर पर सूर्य की प्रकाश पड़ती है तो इसकी रेजिस्टेंस पावर जीरो में बदल जाता है, लेकिन इसकी वैल्यू यानी कंटिन्यूटी वैल्यू इसकी हाई हो जाती है, यानी कि जब एलडीआर को हम घूम में रखेंगे और घाम में रख देते हैं तो जैसे इस पर रोशनी पड़ेगी तो कैथोड एनोड ये इसमें कन्वर्टेशन सेक्शन होता है, उस कन्वर्टेशन सेक्शन के आधार पर एलडीआर में जो रेजिस्टेंस होती है वो जीरो में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक, जैसे ये आपका मल्टीमीटर से हम इसकी जब रीडिंग लेंगे ये आपकी होम में आएंगे, गौर करना इस पर, ये बता रहे आप बता रहे, अब इसमें अंधेरा करवा, क्या हो गया, जीरो हो गया, हाँ बताओ, आ गया, समझ रहे ना, अंधेरा करो बता। तो जब एलडीआर पे अंधेरा होता है तो ये रेजिस्टेंस क्या करती है, इसके करंट को माइनस कर देती है एलडीआर के द्वारा, ठीक, इसके करंट को बेस के करंट को माइनस कर देती है। जब एलडीआर पे अंधेरा होता है तो एलडीआर पर अंधेरा होने से बेस ट्रांजिस्टर के बेस का पावर जीरो हो जाता है, जब ट्रांजिस्टर का पावर जीरो हो जाएगा तो आपका ट्रांजिस्टर कलेक्टर से यानी जो कलेक्टर से जो बजर लगा हुआ है ये बजर बजना बंद हो जाएगा, समझ रहे हो, जैसे ही एलडीआर पे परछाई पड़ेगी तो ट्रांजिस्टर के बेस का पावर हाई हो जाता है, अतः ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से निकलने वाला सिग्नल भी हाई हो जाएगा, अतः हमारा बजर बजने लगेगा, ठीक, पहला। दूसरा, ट्रांजिस्टर के बेस पर लगा हुआ एलडीआर का काम लाइट के प्रेजेंट यानी लाइट की उपस्थिति की सूचना देता है, समझ रहे हो, एलडीआर ट्रांजिस्टर पर लगे हुए एलडीआर बेस से इसका ये संकेत होता है कि लाइट की उपस्थिति की सूचना देता है, अतः एलडीआर हमारा कब काम करता है, जब इसके रोशनी सूर्य का प्रकाश पड़ता है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक, एलडीआर लाइट डिपेंड आर मीन्स रेजिस्टेंस यानी लाइट यानी कि प्रकाशमय रेजिस्टेंस होगी, प्रकाशमय रेजिस्टेंस है, तो ये हमारी सर्किट में ऐसे ही काम करती है, ठीक। 147 ट्रांजिस्टर से एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर से जिससे कलेक्टर से सिग्नल निकलता है और एमिटर को ग्राउंड किया जाता है और बेस से वायसिंग दी जाती है, वायसिंग मतलब कुछ वोल्टेज दिए जाते हैं, ये कहाँ से मिल रहा है आपको, ये आपको उससे मिल रहा है, ठीक है, ये आपको कंप्लीट कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा अटैच कर देना, ठीक, आप ऐसे मानो वैसे रखिए इसका होल्डिंग कर देना।